कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। इसको हमें मान लेना है पहला समीकरण और इसको मान लेना है दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे हमें लिखना है समीकरण 2 से, ये हमारा समीकरण 2 है। अब यहाँ से हमें एक मान y के पद में प्राप्त कर लेना है, तो हमें यहाँ पे लिखना है x बराबर और यहाँ पे लिख देना है 4 और माइनस वाई बराबर के इस तरफ है ना, तो इसको पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ पे हमें मिला का x बराबर 4 प्लस वाई और इसको हमें मान लेना है समीकरण 3। तो यहाँ पे x बराबर हमें क्या मिला, 4 प्लस वाई मिला और x के इस मान को समीकरण 1 में अब रख देना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पे x बराबर 4 प्लस वाई है तो इतना उठा के x की जगह रख देना है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 प्लस वाई, एक्स की जगह 4 प्लस वाई कर देना है क्योंकि x बराबर है 4 प्लस वाई के, और प्लस वाई बराबर 14। ठीक, अब यहाँ पे एक वाई और एक वाई यानी टोटल यहाँ पे 2 वाई हो जाएंगी, तो यहाँ पे हमें लिखना है 4 प्लस 2 वाई और बराबर 14। अब 4 का क्या करना है, पक्षांतरण कर देना है, तो 4 इधर जुड़ रहा है, जब पक्षांतरण किया जाएगा यानी बराबर के इस तरफ प्लस में है, जब इधर करेंगे ना बराबर के इधर, तो यहाँ से क्या होएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 2i बराबर 14 माइनस 4। ठीक, अब यहाँ पे 2i बराबर 14 से 4 निकल गया, कितना बचा, 10 बचा, है ना समझ में। 2i बराबर यहाँ पे मिला हमें 10, फिर यहाँ पे लिख देना है वाई बराबर 10/2, 2i बराबर यहाँ पे 10 और 2 के साथ y का गुणा हो रहा है, तो जब 2 का पक्षांतरण होगा तो इधर जाकर ये क्या कर लेगा, भाग कर लेगा। अब यहाँ पे 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पे हमें y बराबर क्या मिला, 5। तो y का मान हमें मिल गया 5। अब यही y का मान उठा के समीकरण 3 में रख देना है, तो हमें यहाँ पे लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 यहाँ पे लिखा है x बराबर 4 प्लस वाई, एक्स बराबर 4 प्लस वाई, एक्स बराबर 4 और प्लस और वाई की जगह पर रख देना है यहाँ पे 5, क्योंकि वाई बराबर 5 मिला है हमें ना, तो एक्स बराबर यहाँ पे 5 और 4 9 मिल जाएगा, इससे एक्स का मान और वाई का मान निकल आया। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है s माइनस t बराबर 3 और यहाँ पे s बटे 3 और प्लस t बटे 2 बराबर 6। यहाँ पे इसको हमें समीकरण 1 मान लेना है और यहाँ पे ये रैखिक समीकरण है लेकिन ये रैखिक समीकरण नहीं है, तो इसको पहले रैखिक समीकरण में बदल लेना है। तो रैखिक समीकरण में बदलने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा s से और 3 का गुणा t से और इनका गुणा होगा और फिर इनका गुणा करने के बाद इनको इधर भेज दिया जाएगा यानी कि इनका पक्षांतरण हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 का गुणा s से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s और यहाँ पर ये वाला प्लस का निशान। अब यहाँ पर 3 का गुणा t से, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 3t और यहाँ पर बटे और 3 दूनी यहाँ पर 6 और बराबर यहाँ पर 6। अब यहाँ पे 6 का पक्षांतरण हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2s और प्लस 3t बराबर 6×36। अब यहाँ पे 3t को इधर भेज देना है तो हमें मिल जाएगा 2s और बराबर 36 और यहाँ पे 3t जो है प्लस में है और जब इनका पक्षांतरण हो जाएगा बराबर के इधर प्लस में है और जब बराबर के इधर जब जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस में, तो यहाँ पे लिख देना है हमें 3t माइनस में। अब यहाँ पे 2 का भी पक्षांतरण कर देना है, तो यहाँ पे 2 s के साथ कर रहा है गुणा और जब इसका पक्षांतरण होगा तब क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है अब s बराबर 36 माइनस 3t और बटे यहाँ पे 2 और इसको हमें मान लेना है समीकरण 3। इसको मान लेना है हमें समीकरण 2। अब समीकरण का जो 2 का मान, अब यहाँ पे s का मान समीकरण 1 में रख देना है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से s का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे s की जगह 36 माइनस 3t और बटे 2 रख देना है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 36 माइनस 3t और बटे 2 और ये वाला माइनस का निशान और फिर यहाँ पे t और बराबर यहाँ पे
3। अब यहाँ पे ये भिन्न है, लेकिन यहाँ पे टी को भी हमें बटे एक करके भिन्न में बदल लेना है। तो अब एक का गुणा इनसे होगा और दो का गुणा इनसे होगा और दो का गुणा एक से भी होगा, फिर इनका भी पक्षांतरण हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें लिखना है 36 माइनस 3t और यहाँ पे माइनस का निशान दो का गुणा टी से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2t और बटे यहाँ पे दो का गुणा एक से, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 × 2 और बराबर यहाँ पे हमें लिख देना है 3 और दो का पक्षांतरण इधर जाएगा, यानी दो इधर भाग कर रहा है, जब इधर जाएगा तो कर लेगा गुणा। अब यहाँ पे हमें लिखना है 36 और यहाँ पे 3t माइनस में और 2t माइनस में, टोटल यहाँ पे माइनस 5t और बराबर यहाँ पे 2 × 3 = 6। अब यहाँ पे 36 को भी इधर भेज देना है, तो हमें मिलेगा 5t माइनस में और बराबर यहाँ पे 6 और 36 इधर है प्लस में, पक्षांतरण होगा इसका, तो ये हो जाएगा माइनस में, माइनस यहाँ पे लिख देना है 36। अब 6 से 36 घट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस 30, यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस 30 और यहाँ पे लिखा है माइनस 5t। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमें मिलेगा 5t बराबर 30 और यहाँ पे अब t बराबर 30/5, 5 इधर t के साथ कर रहा है गुणा और जब पक्षांतरण होगा तब क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ पे 5 × 5 और 5 × 30, यहाँ पे हमें t बराबर मिला 6। यहाँ पे t का मान निकल के आया 6। अब t के इस मान को समीकरण हमें 2 में रख देना है, तो s बराबर 36 माइनस और यहाँ पे 3 और गुणे और यहाँ पे t की जगह, यहाँ पे t की जगह हमें रख देना है 6 और यहाँ पे बटे का निशान और यहाँ पे लिखना है 2। अब यहाँ पे s बराबर 36 माइनस 6 × 3 = 18 हुआ और यहाँ पे बटे 2 हुआ, फिर यहाँ पे s बराबर 36 से 18 निकल गया, बचा यहाँ पे 18 और यहाँ पे बटे 2 और यहाँ पे फिर s बराबर 2 × 2 और 2 × 9 = 18 हुआ, यहाँ पे s बराबर निकल गया। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 3x - y = 3 और यहाँ पे 9x - 3y = 9, इसे मान लेना है समीकरण 1 और यहाँ पे जो समीकरण दूसरा दिया गया है इसमें जो है 3 से भाग कर देना है, समीकरण के दोनों पक्षों में हमें 3 से भाग कर देना है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, जब इसमें 3 से भाग करेंगे, इसमें 3 से भाग करेंगे और यहाँ पे 3 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे 3 × 3 और 3 × 3 = 9, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 3x और यहाँ पे माइनस 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे केवल y मिलेगा और बराबर यहाँ पे 3 × 3 और 3 × 3 पे भी मिल जाएगा हमें 3। इसको मान लेना है समीकरण 2। अब यहाँ पे देखा जाए तो 3x और यहाँ भी 3x, यहाँ पे माइनस y और यहाँ भी माइनस y और यहाँ पे बराबर 3 और बराबर 3, तो ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण कैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो यहाँ पे हमें लिख देना है समीकरण 1 तथा 2 एक ही हैं, अतः इसके अनेक हल होंगे। ठीक, और इनको छोड़ देना है, नहीं करना है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया गया है 0.2x और प्लस 0.3y = 1.3 और यहाँ पे दिया गया है 0.4x और प्लस 0.5y और बराबर 2.3। तो यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या कर देना है, 10 से हमें गुणा कर देना होगा और यहाँ भी 10 से गुणा कर देना होगा, इससे जो है ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा और आसानी से इनका जो है x का मान और y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2x और यहाँ पे मिल जाएगा प्लस 3y और बराबर यहाँ पे मिल जाएगा हमें 13। ये हुआ हमारा पहला समीकरण और इसी में इसमें भी जो है जब 10 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे 4x और यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 5y और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 23। ये हमारा पहला समीकरण हुआ और ये हुआ हमारा दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमें x का मान निकाल लेना है y के पद में, तो यहाँ पे हमें 2x और प्लस का निशान 3y और बराबर यहाँ पे 13 और 3y का पक्षांतरण कर देना है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2x = 13 और माइनस 3y और यहाँ पे अब 2 का पक्षांतरण कर देना है, इस 2 का इधर पक्षांतरण हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें x = 13 - 3y और बटे 2, 2x के साथ कर रहा है गुणा और जब इसका पक्षांतरण होगा तो इधर जाकर कर लेगा भाग, तो यहाँ पे इसको हमें मान देना है समीकरण 3। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। अब यहाँ पे x का मान उठा के इसमें रख देना है समीकरण 2 में, तो यहाँ पे हमें लिखना है x का मान समीकरण
दो में रखने पर, तो दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 4x प्लस 5 वाई बराबर 23, तो इसी में x का मान रख देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और x की जगह x बराबर 13 माइनस 3 वाई बटे 2 है, तो x की जगह यही उठा के रख देना है। तो यहाँ पे लिखना है हमें 13 माइनस 3 वाई और बटे यहाँ पे 2, और यहाँ पे ब्रेकेट बंद कर देना है, फिर प्लस और यहाँ पे 5 वाई और बराबर यहाँ पे 23। अब यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा, तो 2 एक कम 2 और 2 दुन्ना यहाँ पे हुआ 4। अब इस 2 से 13 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 13 दुन्ना 26 और यहाँ पे ये माइनस का निशान और 2 का गुणा 3 से, तो यहाँ पे 2 तियाँ 6y और ये वाला प्लस का निशान, ये वाला प्लस का निशान और यहाँ पे 5y और बराबर यहाँ पे मिल जाएगा हमें 23। अब यहाँ पे 6y माइनस में और 5y प्लस में, यानी कि हमें मिल रहा है 1y माइनस में, ठीक। अब यहाँ पे 26 का कर देना है पक्षांतरण, तो यहाँ पे हमें लिखना है माइनस वाई और बराबर यहाँ पे 23, 6y माइनस में है एक और यहाँ पे 5y प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस वाई मिल जाएगा और 26 का कर देना है पक्षांतरण, तो 26 से इधर प्लस में और बराबर के इस तरफ जब जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 26। अब यहाँ पे माइनस वाई बराबर 23 से 26 निकलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 और यहाँ पे माइनस से माइनस कटेगा, तो वही बराबर हमें मिल जाएगा 3। तो y का मान यहाँ पे मिल गया, कितना मिला, 3 मिला। अब y का मान उठा के समीकरण 3 में रख देना है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पे तीसरे समीकरण में इनका मान रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 13 और यहाँ पे माइनस का निशान, ये वाला माइनस का निशान और यहाँ पे फिर 3 और गुड़े, क्योंकि 3 और y के बीच में गुड़े का निशान है, इसलिए यहाँ पे गुड़े का निशान लगा देना है, ठीक। और यहाँ पे y की जगह लिख देना है 3 और यहाँ पे बटे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देना है। फिर यहाँ पे x बराबर 13 और यहाँ पे ये वाला माइनस और 3 त्रिका इधर 9 और बटे यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे x बराबर 13 से 9 निकलगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे बटे 2। अब यहाँ पे 2 एक कम 2 और 2 दुना 4, तो यहाँ पे x बराबर हमें मिला, x बराबर मिला 2। ये हुआ हमारा आंसर। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट 2x और प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0 और यहाँ पे रूट 3x और माइनस रूट 8y बराबर 0। इसको हमें मान लेना है समीकरण 1 और इसको मान लेना है समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब यहाँ पे x का मान निकाल लेना है y के पद में समीकरण 2 से, तो हमें लिखना है यहाँ पे अंडर रूट 3 और यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस 8y को इधर भेज देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर, यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 8 और यहाँ पे y, यहाँ पे ये माइनस में था और इधर जब गया तो हो गया प्लस में, यहाँ पे ये था ऋणात्मक और इधर जब गया तो हो गया ये धनात्मक, ठीक। अब क्या करना है, रूट 3 को भी इधर भेज देना है, तो x बराबर यहाँ पे अंडर रूट 8 और यहाँ पे बटे अंडर रूट 8 y और बटे यहाँ पे अंडर रूट 3 और इसे मान लेना है समीकरण 3। अब यहाँ पे x का मान उठा के समीकरण रख देना है 1 में, तो यहाँ पे लिखना है हमें x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अंडर रूट यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिख देना है, अब ब्रेकेट बनाना है और x की जगह लिख देना है अंडर रूट 8 और बटे अंडर रूट यहाँ पे 3 और यहाँ पे y, ब्रेकेट बंद कर देना है और यहाँ पे प्लस का निशान और यहाँ पे अंडर रूट 3 और यहाँ पे y और बराबर 0 कर देना है। अब रूट 2 का गुणा हो जाएगा रूट 8 से, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 अट्ठे 16 यानी अंडर रूट 16 और यहाँ पे y और यहाँ पे बटे अंडर रूट 3 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिख देना है अंडर रूट 3 और y और यहाँ पे बटे 1 कर देना है क्योंकि ये भिन्न है और यहाँ भी इसको भिन्न बना लेना है, तो यहाँ पे बराबर 0 लिखना है। अब यहाँ पे 1 का गुणा इनके साथ और रूट 3 का गुणा इनके साथ क्यों करना है, क्योंकि इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए होना चाहिए हर समान, तो इसमें हर समान नहीं है, तो पहले क्या करना है, हर समान कर देना है। तो यहाँ पे रूट 16 का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्योंकि रूट 16 का वर्गमूल होता है और यहाँ पे लिख देना है फिर y और 4 एक कम 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल हमें 4y लिख देना है, फिर ये वाला प्लस का निशान और रूट 3 का गुणा रूट 3 से होगा, तो यहाँ पे रूट 3 का गुणा जब रूट 3 से होगा तो इसका मतलब हो जाता है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो स्क्वायर से जब रूट हट जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 3। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 3 और y और बटे रूट 3 का गुणा 1 से, तो जब रूट 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 से किसी भी संख्या का गुणा किया जाएगा उत्तर वही संख्या आती है, तो यहाँ पे हमें लिख देना है अंडर रूट 3।
और बराबर जीरो। अब यहाँ पे रूट तीन का पक्षांतरण कर देना है, जीरो से किसी भी संख्या को गुणा किया जाए तो उत्तर क्या आता है, जीरो ही आता है। तो हमें लिखना पड़ेगा फिर यहाँ पे चार वाई और प्लस यहाँ पे तीन वाई और बराबर यहाँ पे रूट तीन गुणा हो जाएगा जीरो से, रूट तीन का गुणा होगा जीरो से, तो उत्तर कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। अब आगे यहाँ पे चार वाई और प्लस तीन वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे सात वाई और बराबर रूट तीन का गुणा जीरो से, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें जीरो, तो वाई बराबर यहाँ पे मिल जाएगा हमें जीरो बटे सात। तो वाई बराबर यहाँ पे जीरो बटे सात का मतलब हुआ जीरो ही हुआ, तो यहाँ पे लिख देना है वाई बराबर जीरो, वाई का मान हमें मिला जीरो। अब वाई का मान यहाँ पे रख देना है समीकरण तीन में, तो वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर, अब समीकरण तीन में वाई का मान रखेंगे तो एक्स बराबर यहाँ पे रूट आठ और यहाँ पे आठ और वाई के बीच में गुणे का निशान है, तो इसलिए यहाँ पे गुणे का निशान लगा देना है और वाई की जगह रख देना है जीरो, इस वाई की जगह में रख देना है यहाँ पे जीरो और बटे यहाँ पे लिख देना है अंडर रूट तीन और यहाँ पे एक्स बराबर, अब रूट आठ का गुणा जीरो से होगा तो यहाँ भी हमें जीरो मिल जाएगा क्योंकि किसी भी संख्या को जीरो से गुणा किया जाए तो उत्तर जीरो ही आता है, तो यहाँ पे जीरो बटे आ जाएगा रूट थ्री और एक्स बराबर जीरो बटे रूट थ्री, यानी कि रूट थ्री से जब जीरो को भाग करेंगे तो उत्तर यहाँ भी जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स का मान और वाई का मान दोनों का मान जीरो ही आता है। पहले क्वेश्चन का छठा और आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे, तीन एक्स बटे दो और माइनस पाँच वाई बटे तीन और बराबर माइनस दो। यहाँ पे दूसरा इसका साथी है एक्स बटे तीन और प्लस वाई बटे दो बराबर तेरह बटे छः। अब यहाँ पे इसको पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेना है, तो रैखिक समीकरण के रूप में बदलने के लिए इन इसमें से इसको घटाना है, तो घटाने के लिए होना चाहिए हर समान, तो पहले हर समान कर लेना है। हर समान करने के लिए तीन से इनका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तीन तिरिक्का नौ एक्स और यहाँ पे वाला माइनस का निशान और दो का गुणा पाँच से हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें दो पंचे दस और यहाँ पे वाई और यहाँ पे बटे दो का गुणा तीन से, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें दो तिया छः और बराबर यहाँ पे माइनस दो। अब इसमें छः का पक्षांतरण हो जाएगा तो हमें मिलेगा नौ एक्स माइनस दस वाई और बराबर छः दुन्नी बारह माइनस बारह, ये हमारा हो जाता है पहला समीकरण। और यहाँ पे इसी प्रकार इसमें कर लेना है दो का गुणा एक्स से, तो यहाँ पे हमें मिलेगा दो एक्स और यहाँ पे प्लस का निशान, तीन का गुणा वाई से तो यहाँ पे मिल जाएगा तीन वाई और यहाँ पे तीन का गुणा दो से तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा छः और बराबर यहाँ पे तेरह बटे छः है और यहाँ पे हर में छः यहाँ पे है और हर में छः यहाँ पे है, तो छः से छः कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा दो एक्स और प्लस तीन वाई और बराबर तेरह, ये हमारा हो जाता है दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे हमें लिखना है समीकरण एक से, तो यहाँ पे समीकरण एक से एक्स का मान वाई के पद में निकाल लेना है हमें, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा नौ एक्स बराबर माइनस बारह और दस वाई को, दस वाई का यहाँ पे पक्षांतरण हो जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें प्लस दस वाई और यहाँ पे अब कर देना है नौ का पक्षांतरण और दस वाई यहाँ पे प्लस में है, बारह वाई माइनस में है, तो बारह को इधर लिख दिया जाए और दस वाई को पहले लिख दिया जाए, यानी कि यहाँ पे एक्स बराबर लिख दिया जाए दस वाई और माइनस बारह, दस वाई प्लस में इसमें है और इसमें भी प्लस में है और बारह वाई माइनस में है, यहाँ पे बारह माइनस में है, यहाँ भी बारह माइनस में है और यहाँ पे नौ एक्स के साथ कर रहा था गुणा, इसका पक्षांतरण होगा तो यहाँ पे करेगा भाग, यानी कि यहाँ पे बटे के नीचे लिखा जाएगा नौ और इसको मान लेना है समीकरण तीन। ये हमारा पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण होगा। अब एक्स का मान समीकरण दो में रख देना है, एक्स का मान समीकरण दो में रखने, तो यहाँ पे एक्स की जगह में लिखना होगा दस वाई माइनस बारह और बटे नौ, इस एक्स की जगह में लिखना है दस वाई माइनस बारह बटे नौ, तो यहाँ पे दो और एक्स की जगह दस वाई और माइनस बारह और बटे यहाँ पे नौ और ब्रेकेट बंद कर देना है, ये वाला आगे प्लस का निशान, फिर यहाँ पे तीन और फिर वाई और बराबर यहाँ पे लिख देना है तेरह। अब यहाँ पे दो का गुणा होना है दस से और माइनस बारह से, तो यहाँ पे मिलेगा हमें दस दुन्ना बीस वाई, बीस वाई और माइनस बारह दुन्ना इधर चौबीस और यहाँ पे बटे नौ और यहाँ पे प्लस तीन वाई और बटे यहाँ पे कर देना है एक, क्योंकि ये भिन्न है तो इसको भी भिन्न में बदल लेना है और यहाँ पे बराबर लिखना है तेरह। अब यहाँ पे एक का गुणा इनके साथ और नौ का गुणा इनके साथ और नौ का गुणा एक के साथ, हर समान करने के लिए इनको इनके साथ, इनको इनके साथ और इनको इनके साथ गुणा कर देना है और इनको इनके साथ भी गुणा करना है, तो यहाँ पे मिलेगा
जब इसको एक से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें यही लिख देना है 20y और माइनस 24, और यहाँ पे प्लस का निशान 9 का गुणा 3 से, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 27 और y, 9 * 27y और बटे यहाँ पे 9 * 9 और बराबर यहाँ पे मिल जाएगा हमें 13 और 9 का आप कर देना है 56 और यहाँ पे 20y प्लस में और 27y प्लस में, यानी कि यहाँ पे टोटल 47y प्लस में है, 20y और 27y यहाँ पे टोटल 47y प्लस में और यहाँ पे माइनस 24 और बराबर का निशान 9 इधर कर रहा है भाग, और जब इसका पक्षांतरण होगा तो इधर कर लेगा गुणा, तो 9 हो जाएगा 117 और यहाँ पे अब कर देना है 24 का पक्षांतरण। अब यहाँ पे 24 का कर देना है पक्षांतरण, तो यहाँ पे ये घट रहा है उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमें लिखना है 47y और बराबर 47y बराबर 117 और यहाँ पे प्लस का निशान और यहाँ पे लिख देना है 24, तो यहाँ पे 47y बराबर 74 यहाँ पे 11, 2 और 1 यहाँ पे 3 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 141 और y बराबर यहाँ पे मिल जाएगा हमें 141 और बटे 47, 47y के साथ गुणा कर रहा है, इसका पक्षांतरण होगा तो इधर कर लेगा भाग, और यहाँ पे ये कट जाएगा 47 * 47 और 47 * 141 क्योंकि 3 को जब 47 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 141 आता है, 3 * 7 = 21, 3 * 7 = 21 और 3 * 4 = 12 और 2 = 14 141 मिलता है, इसलिए हमें यहाँ पे लिख देना है y बराबर 3। अब y का मान उठा के समीकरण 3 में रख देना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रख देना है, तो यहाँ पे अब लिखना है x बराबर 10y और y की जगह हमें मिला है 3, तो y की जगह हमें लिख देना है 3 और यहाँ पे 10 और y के बीच में है गुणे का निशान, तो यहाँ पे गुणे का निशान लगाना है, फिर उसके बाद लिख देना है 3 और यहाँ पे माइनस 12 और बटे 9, फिर यहाँ पे x बराबर 10 दिया हुआ, यहाँ पे 30 और माइनस 12 और बटे यहाँ पे 9, और फिर यहाँ पे x बराबर 30 से 12 निकल गया, बचा कितना 18 और बटे यहाँ पे 9 और 9 * 9 हुआ और 9 * 2 हुआ यहाँ पे 18, तो यहाँ पे x बराबर निकल के आया 2, y बराबर 3 और x बराबर 2, ये हमारे आंसर हुए।